आप देख रहे हैं इंटरनेशनल SSE न्यूज। 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे लैब टेक्नीशियन। खरगोन, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के प्रभावी होने के बीच अपनी लंबित मांगों को लेकर लैब टेक्नीशियंस ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी देकर सरकार की चिंता और बढ़ा दी। इससे कोरोना वायरस की जांच प्रभावित हो सकती है। सोमवार को समस्त मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के बैनर तले CMHO को चरणबद्ध आंदोलन के तहत 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का सूचना पत्र सौंपा गया। एसोसिएशन ने बताया कि कोविड महामारी में टेक्नीशियंस ने संक्रमित मरीज के सैंपल एक्सरे कर नियमित सेवाएं दी। इसके बावजूद कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सरकार की अनदेखी से वे हतोत्साहित हो रहे हैं। SSE न्यूज के लिए कड़वा निहाले की रिपोर्ट। लेबोरेटरी टेक्नीशियन एसोसिएशन द्वारा 17 सूत्रीय मांगों के संबंध में आज का एक दिन का सामूहिक अवकाश और एवं धरना प्रदर्शन कर रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत। क्या मांगे क्या हैं? मांगे हमारी कि हमारा पदनाम परिवर्तित किया जाए, हमारी सैलरी में हमारे प्रमोशन जो रुके हैं वो हो नहीं रहे, जो सीनियर लोग वहीं के वहीं हैं उनकी वेतन बढ़ोतरी हो, उनके प्रमोशन हो, पदनाम चेंज किया जाए। हमारा 17 सूत्री मांगे हैं। अगर इसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं होता तो आगामी क्या कार्रवाई रहेगी? आगामी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, शासन अगर हमारी बातें नहीं मानता है तो। जैसे कितने हैं जिले भर में? पूरे मध्य प्रदेश में संपूर्ण ब्लॉकों में, जिला चिकित्सालय में। कर्मचारी कितने हैं जिले भर में? जिले भर में कम से कम 150 लैब टेक्नीशियन। क्या नाम है आपको? अनिल कोपणे।